आयुष दाखिलों में जिनकी थी निगरानी की जिम्मेदारी, उन्हीं के कॉलेज में हुआ खेल। आयुष कॉलेजों के दाखिलों में हुई हेराफेरी में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि दाखिले के काउंसलिंग कमेटी में शामिल सदस्यों के कॉलेजों में भी हेराफेरी की गई। प्रदेश के 41 निजी और 13 सरकारी कॉलेज में हेराफेरी का मामला सामने आया है। मनमानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शमसे गोसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज गाजीपुर की सभी 40 सीटें हेराफेरी से भरी गईं, तो फतेहपुर के कॉलेज की 60 से 58 सीटों पर यह खेल हुआ। गड़बड़ी वाले कॉलेजों में हलचल मची हुई है। विभागीय अफसर कार्यालय में ताला बंद कर गायब है। कॉलेज संचालक निदेशालय और शासन के चक्कर काट रहे हैं। गलत तरीके से दाखिला लेने वाले छात्रों के परिजन भी लखनऊ में डेरा डाले हैं और एसटीएफ और जांच कमेटी की गतिविधियों पर भी नजर लगाए हुए हैं। दरअसल प्रदेश के आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग कमेटी बनी थी। कमेटी के अध्यक्ष शासन द्वारा नामित आयुष विभाग के विशेष सचिव सुखलाल भारती और सदस्य सचिव आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर एस एन सिंह थे। अन्य सदस्यों में संयुक्त सचिव लक्ष्मण सिंह, राजकीय तकमील कॉलेज लखनऊ के डॉक्टर बच्चू सिंह एवं डॉक्टर मजाहिर आलम, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज के डॉक्टर एस एस पॉल एवं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह शामिल थे। इसी तरह निजी क्षेत्र के कॉलेजों के प्रतिनिधि के रूप में जामिया तिब्बिया यूनानी कॉलेज देवबंद, सहारनपुर भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर और बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नोएडा के प्रतिनिधि शामिल किए गए।